पत्रकार के नाते जो मेरा आकलन है वो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि गिलबर्ट मेंडोसा अगर शिवसेना में जाते हैं, जिस भयंदर वेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ मेरा आकलन ये है कि फायदा जो है भाजपा को पहुँचेगा अगर गिलबर्ट मेंडोसा शिवसेना में जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गिलबर्ट मेंडोसा अगर शिवसेना में जाएंगे तो बेनिफिट होगा। मैंने कहा गिलबर्ट मेंडोसा अपने का अस्तित्व रखते हैं, गिलबर्ट मेंडोसा की वजह से भाजपा को डेंट पड़ेगा। अब वो किस पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं उनका निर्णय है। जी जी, मुजफ्फर साहब, आपको महानगर पालिका में कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो फिर मेरा अगला सवाल जो है वो बेमानी वैसे हो जाता है फिर भी, क्योंकि हमारा सवाल आज का वही है, अगला मेयर किसका होगा? कांग्रेस का होगा। तो आपको एडवांस में बधाई दे दें हम। बिल्कुल। जी जी, हमारे एडिटर साहब एक सवाल दे रहे हैं, युवाओं के लिए चुनाव के माहौल के लिए क्या संदेश है आपका? ये बहुत जरूरी बात है। चुनाव को और युवाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस शहर के अंदर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, स्पोर्ट्स के इवेंट्स किए, अब ये वेकेशन का पीरियड है, कल ही हमारा फुटबॉल का डेढ़ महीना पूरा सेशन चला, 200 फुटबॉल की टीम्स हमने खिलवाई, अब अगले महीने पूरा महीना स्विमिंग कॉम्पिटिशन चलने वाला है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हमने किया। तो बाय एंड लार्ज हमने यंगस्टर्स को जो है, बच्चों को जो है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी का एक प्रोस्पेक्टिव दिया, एक आउटलुक दिया, एक ओपनिंग दी, एक लीडिंग दी कि भैया ये स्पोर्ट्स की फील्ड में मीरा भाईंदर सभी, जैसे कल स्पोर्ट्स का हमारा फील्ड गेम था तो नेशनल प्लेयर्स आए थे जो मीरा रोड में रहते थे, हमको भी नहीं पता था, वो खुद सामने से आए कि सर मैं यहाँ सेक्टर 9 में रहता था, आप हमेशा आए हैं, 20 साल पहले आप आए तभी आपने ग्राउंड बनाया, हम लोगों को खेलने का मौका मिला, तो मैं नेशनल में खेल रहा हूँ, ऐसी प्रतिक्रिया हमको मिली। अंडर 14 का हमने मैचेस रखे, इतने पेरेंट्स उसके अंदर आए, इतना उन लोगों ने खुद अप्रिशिएट किया, 8 to 16 हमने साइक्लोथॉन रखा, इतने पेरेंट्स आए उसके अंदर, पूरी फैमिली उसमें पार्टिसिपेट करी, तो स्केटिंग इवेंट हमने रखा, तो पीपल हैव बीन सो एक्साइटेड अबाउट इट। आपके कार्यक्रम तो आपका मित्र होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने लगभग सारे कार्यक्रम अटेंड किए, बहुत बेहद खूबसूरत कार्यक्रम आपने जो शहर में एक फ़जा बदली, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके लिए हम आपको बधाई का पात्र समझते हैं, बधाई देते हैं।